जय हिंद। यह है मेरे घर पर भी ये तिरंगा मैंने फहरा दिया है, और मेरे घर के साथ आप देख सकते हो मेरे गांव में भी ये हर घर पर तिरंगा है। अभी कुछ लोगों ने फहरा दिया। और जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी, जैसा कि अभी आपने वीडियो देखा, मैंने अपनी छत पर भी तिरंगा लहरा दिया है। और मैं आप लोगों से भी अपील करता हूं कि अपने अपने घरों पर, छतों पर, जहां भी, तिरंगा जरूर फहराएं। लेकिन याद रखें, किसी नेता के कहने से नहीं, अपने दिल से, और उस तिरंगों के को अपने दिल में भी रखना है। और एक बात और कहना चाहता हूं, क्या ये तिरंगा नेताओं की वजह से फहराया जा रहा है? क्या ये देश सुरक्षित इन नेताओं से है? क्या आप 15 अगस्त और 26 जनवरी पर तिरंगा पर फहरा कर देशभक्त बन जाएंगे? असल में तिरंगा उन शहीद जवानों की वजह से, जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया है, उन क्रांतिकारियों की वजह से ये तिरंगा लहरा रहा है, जिन्होंने आजादी के समय, जो आजादी आप महोत्सव मना रहे हो, उसके भगत सिंह, सुखदेव, सुभाष चंद्र बोस, राजगुरु, ऐसे बहुत से लोगों ने अपना खून बहाया है इस आजादी के लिए और इस तिरंगे को फहराने के लिए। उसके बाद 1965, 71, 62 ये जो लड़ाई हुई है, कारगिल युद्ध, इसमें जिन जवानों ने शहादत दी है, उनकी वजह से तिरंगा लहरा रहा है। और अभी भी जो बॉर्डरों पर सुरक्षित खड़े हैं जवान, उन जवानों की वजह से तिरंगा लहरा रहा है। लेकिन आप लोग सिर्फ 26 जनवरी और 15 अगस्त को इन नेताओं के कहने पर तिरंगा फहरा कर झूठे देशभक्ति का नाटक करते हो। जब कोई शहीद होता है तो एक दिन के लिए, सिर्फ आजकल एक ट्रेंड बन गया, फोटो खिंचवाने के लिए और जयकारा लगाने के लिए जाते हैं। उसके बाद उस शहीद परिवार की क्या हालत होती है, उसके बच्चों का, उसका वीडू का क्या हाल होता है, कोई देखने नहीं जाता। कैसे वो जिंदगी काटती है। ऐसे बहुत से शहीद परिवार आज नेताओं की गई घोषणाओं का इंतजार कर रहे हैं कि कब वो पूरा होगा। और एक सबसे विषम परिस्थिति कि 13 अगस्त को हमने भी तिरंगा फहरा दिया, लेकिन हम एक 10 अगस्त से जो आंदोलन कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? कि जो हमारे जवानों की सर्विस 4 साल कर दी गई, क्या वो 4 साल वाले आपके देश को सुरक्षित रख पाएंगे? क्या 6 महीने की ट्रेनिंग लेकर कोई जवान टैंक, मिसाइल और पता नहीं क्या क्या चला लेगा? लेकिन आपने उस अग्निपथ को स्वीकार कर लिया चंद एक नेताओं की वजह से और अधिकारियों की वजह से, जो कहते हैं कि हमें देश का बजट कम करना है। मैंने पहले भी कहा था और आज भी कहता हूं, देश का बजट कम करना है तो पहले वो 60 साल करने वाले वो जनरल तीनों के तीनों या सारे के सारे अधिकारी अपनी पेंशन छोड़े और ये नेता अपनी पेंशन छोड़े। मैं जवान से रिटायर्ड हूँ, सिपाही हूँ, लेकिन मैं अपनी पेंशन त्याग दूंगा। लेकिन पहले ये शुरुआत करें, कितना ही बजट देश का इन नेताओं की और इन अधिकारियों की तिजोरियों में भरा हुआ है, कमीशन के रूप में, भ्रष्टाचार के रूप में। और एक और अग्निपथ योजना जवानों के ऊपर लाद कर एक और भ्रष्टाचार का खेल ये खेल रहे हैं। आज धीरे धीरे देश आगे बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार खत्म होने की तरह अग्रसर है, लेकिन इन्होंने फिर जवानों को प्रिय ऐसी योजना थोप कर, ये सिर्फ जवान और जैसियों के लिए ही क्यों है? अगर अच्छी योजना है, सबको मौका देना है, तो ये अफसरों के लिए भी लागू होनी चाहिए, नेताओं के लिए भी लागू होनी चाहिए कि 4 साल के बाद कोई नेता इलेक्शन नहीं लड़ेगा और ना ही पेंशन लेगा। उनमें से भी जो लाखों जवानों में से जैसे 75% छाटा गया, उसी तरह एवरेज के हिसाब से इनको भी 5 या 10% रखकर बाकी को बैन कर देना चाहिए, बाकियों को भी मौका मिलना चाहिए। मैं सही कह रहा हूं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और जो हमने 10 अगस्त से एक मुहिम चलाई है, सत्याग्रह की दिल्ली चलो, जिसको 10 अगस्त का जयपुर कलेक्ट्रेट सर्कल पर हमने धरना देकर कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपा, उसके बाद ये मार्च हमने यात्रा शुरू कर दी। दूसरे दिन हम चंदवाजी रात को होल्ड करके चंदवाजी में 11 तारीख को उपखंड अधिकारी आमेर को ज्ञापन सौंपा, फिर 12 को सापरा पहुंचकर सापरा रुके रात को, फिर सापरा में उपखंड अधिकारी महोदय को 12 को ज्ञापन सौंपा, और इसी सिलसिले में 13 को पावटा जयपुर में पहुंचकर एसडीएम महोदय को हमने ज्ञापन नहीं सौंपे, क्योंकि एसडीएम साहब को हमने कॉल किया था लेकिन वो बोले कि मैं बाहर हूं, अभी नहीं लूंगा
जहां भी उनकी जो भी रही होगी, तो अब हम उनको जब भी कल आज भी छुट्टी होगी, कल भी 15 अगस्त को छुट्टी है, इसलिए जो हमने प्रदर्शन था हमारा कर लिया, सिर्फ उनको ज्ञापन सौंपेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। 15 अगस्त की वजह से हमने 14 और 15 तारीख की ये होल्ड की है यात्रा को। हमारे जो भी साथी हैं पावटा में रह रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, 16 को हम सुबह परमिशन लेके आए तो 16 को कोटपुतली में, या 17 को जो भी जगह एक मैरिज हॉल है हीरामोती सिनेमा के सब पास, मैं आपको बता दूंगा, अभी क्लियर नहीं है, 16 या 17 को हम कोटपुतली में करेंगे और फिर आगे बै रोड, बावल ऐसे होते हुए दिल्ली में चले जाएंगे। दिल्ली में मिलके जो हमारी 5 मांगे हैं हम उठाएंगे। मैं फिर कहता हूं देश की जनता को कि तिरंगा लगाने से, मैंने भी लगा दिया है, क्योंकि अगर मैं नहीं लगाता तो ये लोग, बहुत से लोग फौजियों को ही देशद्रोह बता देंगे, क्योंकि उनकी आंखों पर चश्मा चढ़ा हुआ है कि एक नेता जो भी कर रहा है, मतलब अभी तक सिर्फ एक ही नेता हुआ है जो सब कुछ कर रहा है, बाकी किसी ने नहीं किया। मैं भी मानता हूं, मैंने भी उन्हीं नेताजी को वोट दिया है, मोदी जी को ही, और उन्होंने फौजियों को सपने दिखाए, जनता को सपने दिखाए, और अब एकाएक ऐसी ऐसी योजना ला रहे हैं कि सेना को 4 साल की नौकरी एक तरह के ठेके पर कर दिया, 75% लोगों को बिना पेंशन आउट कर देंगे। CISF के लिए बोल ही दिया कि CISF धीरे धीरे प्राइवेट हो जाएगी। अभी बैंकों का निजीकरण भी धीरे धीरे हो रहा है, सारे जितने भी सरकारी बैंक हैं हो जाएंगे, बहुत सी चीज़ें आएंगी, क्योंकि इनके जो बड़े बड़े हक्का है ना, चाहे अमाणी अडानी पता नहीं कौन कौन है, मुझे तो पता भी नहीं है, लेकिन उनको सिक्योरिटी गार्ड चाहिए थे अच्छे से, जो 4 साल की ट्रेडिंग कराएंगे। ये कहते हैं बजट बचाएंगे, एक सैनिक को ट्रेनिंग करके और इस 4 साल में जितना देके उसको आउट कर रहे हैं, फिर ले रहे हैं उतने बजट में, सैनिक धीरे धीरे उस बजट में उसी 11 लाख के इंटरेस्ट में ही पूरी सर्विस कर सकता था, लेकिन ये नहीं करवाएंगे, क्योंकि इन्हें, उनको गार्ड के रूप में वो कह रहे हैं कि हमें तैयार कर दो और गार्ड इधर भेज दो और वही नौकरी रहेगी। बोलते ना बाकी नौकरियाँ कोई नहीं लेगा, उन पर एक अग्निपथ का ऐसा डिफाल्टर का ठप्पा लगेगा कि अगर तुम अच्छे थे तो तुमने सेना को क्यों बाहर निकाला, सेना ने तुम्हें क्यों बाहर निकाला, और उसको कोई नौकरी नहीं देगा। और अंदर जो रहेंगे 25% वो कहीं ना कहीं पहले ही जो लोग कुत्ता घुमा रहे हैं, कोई मैडमों के कच्चे तक धो रहे हैं, इनके बच्चों की पोटी साफ कर रहे हैं, सहायक प्रथा जिसको इनकी संसद में अभी 2022 में इनके मंत्री कहते हैं कि ये तो अच्छी प्रथा है, जो कि पूरी वर्ल्ड में बंद कर दी गई, किसी देश में नहीं है ये प्रथा, लेकिन हिंदुस्तान की आर्मी में आज भी चल रही है, क्योंकि ये ब्रिटिश की तरह आज भी कुछ एक लोग अपने आप को अंग्रेज समझ रहे हैं। तो गुलामी बढ़ेगी और गुलामी के साथ साथ भ्रष्टाचार भी बढ़ेगा, जो जेब में पैसा डालेगा वो पक्का होगा। तो ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जिन्हें हिंदुस्तान से सच में प्यार है, जिन्हें आर्मी से प्यार है, वो अधिकारी से लेकर जवान तक इस योजना के खिलाफ है, और जिससे सिर्फ पैसे से प्यार है, जिन्हें सिर्फ अपना जेब भरने से मतलब है, वो इस योजना को अच्छा बता रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, हमने इस सत्याग्रह के लिए 5 मांगे रखी हैं, कम से कम उन जवानों को जो 2 या 3 साल से मेहनत कर रहे थे, श्रीमान जी उन पुरानी भर्तियों को कंप्लीट कराया जाए, एयरफोर्स की ज्वाइनिंग, आर्मी का एग्जाम जो फिजिकल मेडिकल पास कर चुके थे, एयरफोर्स का एक रिजल्ट भी है उसी के साथ जो भी की अभी बाकी है, उम्र सीमा में छूट का जो लॉलीपॉप दिया है आपने, GD को 21 से 23 किया, लेकिन ट्रेडमैन, क्लर्क, नर्सिंग असिस्टेंट ऐसे बहुत से ट्रेड थे जिनकी पहले ही 23 होती थी, उसको 25 कराया जाए। उसके अलावा हम फिर कह रहे हैं कि अगर पेंशन बंद करनी है तो अधिकारियों की, नेताओं की, सबकी बंद कर दें तो हम भी कुछ नहीं कहेंगे देश हित में, लेकिन अगर आप इनकी चालू रखते हैं तो उन जवानों की सर्विस बढ़ाकर उनको मिनिमम पेंशन दी जाए, मेडिकल और CSD फैसिलिटी दी जाए, ताकि वो देश के तिरंगे को सुरक्षित रखें, बॉर्डर को सुरक्षित रखें। एक सैनिक जब सामने खड़ा ड्यूटी करता है ना, उसको टेंशन नहीं होनी चाहिए, आपकी ये टेंशन उसको खा जाएगी कि 4 साल बाद मुझे बाहर निकाल दिया जाएगा, टेंशन में कोई जवान ड्यूटी नहीं कर सकता। आपको नेताओं को अपनी सुरक्षा के लिए NSG SPG पता नहीं स्पेशल कौन कौन से कमांडो चाहिए, और देश की सुरक्षा 4 साल अग्निवीरों के बहाने। ये बोलते हैं ना CDS साहब की योजना नहीं थी, बिपिन रावत जी ने स्पष्ट कहा था कि जवानों की सर्विस बढ़ाई जाए, रिटायर्ड होकर टैंक चलाने वाले जवान गार्ड की नौकरी करते हैं, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 10,000 सिविल सहायक की भर्ती के लिए कहा था कि सिविल सहायक होंगे जिनके कंधे पर इंडियन आर्मी नहीं अग्निवीर लिखा जाएगा, क्योंकि हमने 17 में भी धरना दिया था, 19 में भी धरना दिया था, और विपिन रावत जी ने खुद माना था कि हाँ ये सहायक प्रथा हम खत्म करेंगे और ये चीजें भर्ती करेंगे, लेकिन इन्होंने पता नहीं कौन से बाकी कैसे बोल रहे हैं कि हमारी योजना बनाई 2 साल से फलाना टिकड़ा और सबको अग्निवीर बना दिया। इनको पूछा जाए अगर इनकी योजना थी तो 2 साल से क्यों भर्तियां निकाल रहे थे,
या तो जनता मूर्ख है या ये लोग मूर्ख हैं जो लगातार एक तरफ भर्ती करवा रहे हैं और एक तरफ कह रहे हैं योजना पुरानी है। ये सरासर गलत है। उसके अलावा हमने एक लास्ट पॉइंट रखा है कि जो हमारे बच्चे जो एकाएक योजना से दिमाग सुन्न हुआ, इसमें बहुत से बच्चों ने तो सुसाइड कर ली। और उसके अलावा जो सड़कों पर गए, हालांकि मैं फिर कहता हूं कि तोड़फोड़ की इन बच्चों ने गलत किया, पता नहीं किसके बहकावे में आए या पता नहीं इनका दिमाग खराब हुआ, इन्होंने कर दी। अब मैं निवेदन करता हूं कि वो केस वापिस हों ताकि ये देश की प्रगति में योगदान दे सकें। इन्होंने गलती की है तो सरकार का गार्जियन होने के नाते इनके केस वापिस ले। मैं फिर कह रहा हूँ वापिस नहीं होंगे, भविष्य में ये गलत रास्ते पे जाएंगे जो देश के लिए नुकसानदेह होगा। ये हमारी मुख्य मांगे हैं। मोदी जी से हाथ जोड़कर अपील करता हूँ, इस पर विचार करें। असली देशभक्ति बनना है या फिर तिरंगे झंडे तो हमने भी लहरा दिए। हम भी आपकी देशभक्ति में भये हुए हैं और अपने साथियों को भी कह दिया आप भी लहराओ। लेकिन अगर इससे देश सुरक्षित रहता है तो जनता तय करेगी, या फिर वास्तव में उन जवानों से रहता है तो फिर जवानों के साथ ये अन्याय हो रहा है, जिसके लिए आगे आए आगे बढ़कर बोले। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, फिर कह रहा हूँ कि कल भी एक बेचारा मैंने सुनने में आया था कि कहाँ साउथ साइड में एक बच्चे ने, जिसके नाम था केस में कि इसने ट्रेन जलाई थी, अब तक क्या था पुलिस के डर से उसने कल छलांग लगाकर पानी में आत्महत्या कर ली। इतना डर मत पैदा करो मोदी जी, उन बच्चों को आपकी पुलिस और ये इतने प्रशासन इतने डरा रहे हैं कि वो अब गलती करें इसका मतलब ये तो नहीं कि वो अपनी जान ही दे दें। आप अगर बड़े बनकर, क्योंकि तो आपके नेता जब चलाते हैं ना कुर्सियाँ, पता नहीं क्या क्या चलाते हैं, चुनावों में क्या क्या चीज़ हो जाता है, तब तो आप उन पर केस दर्ज नहीं करते, उन पर तो बैन नहीं होता। कितने ही नेताओं पर कितने ही केस हैं फिर भी वो चुनाव लड़ रहे हैं, जेल में बैठे तक चुनाव लड़ते हैं, और इन बच्चों को आप सरकारी नौकरियों से वंचित कर रहे हो, डरा रहे हो, धमका रहे हो। आपका अगर पार्टी का टिकट कट जाता है तो दल बदलू नेता कहीं और चले जाते हैं, ये कहाँ जाएंगे, ये पाकिस्तान सेना में शामिल होंगे या चाइना में होंगे? तो इस चीज़ पर जरूर गौर करें ताकि हमारी देश वास्तव में जो आज़ादी का महोत्सव मना रहा है उसका सही अर्थ जनता समझे। बाकी मैं फिर अपील करूँगा, ये हमारा धरना जयपुर से चलकर दिल्ली की ओर बढ़ रहा है, इस काफिले में आप शामिल हों। कम से कम अगर 15 दिन हमारे साथ नहीं चल सकते तो आप जहाँ जहाँ आपका हो सकता है कि आप यहाँ मिलें वहाँ मिलें, हमारा हौसला बढ़ाएं। 1-15 दिन नहीं तो 3 दिन, 3 दिन नहीं तो 1 दिन, 1 दिन नहीं तो 1 घंटा ज़रूर निकालें। इसी चैनल रविंद्र फौजी XRMRT पर आपको अपडेट मिलती रहेगी, मेरे नंबर से अपडेट मिलती रहेगी। जो नहीं आ सकते अगर सहयोग करना चाहते हैं तो यही मेरा नंबर फ़ोनपे गूगल पे पेटीएम से जुड़ा हुआ है, आप सहयोग कर सकते हैं। इस नंबर के अलावा अगर किसी को अकाउंट नंबर, तो ये मेरा अकाउंट नंबर है 612-642-33-600, IFC कोड इसमें दिया हुआ है ताकि इस मूवमेंट को लेकर चल सकें जो एडम व्यवस्था की, क्योंकि हमने किसी ही पार्टी से या किसी बड़े लीडर से किसी से कुछ नहीं, हम अपने सहयोग से इसको आगे बढ़ रहे हैं और हमने चाहते कि इसमें कोई राजनीतिक हो, राजनीतिक वालों को मिलाना भी नहीं है, सिर्फ ये प्रधानमंत्री जी तक हमारी मांग रखने के लिए है और मुझे उम्मीद है कि प्रधानमंत्री हमारी मांग को जरूर सुनेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।